जब भी बात भारत को वीटो पावर देने की आती है तो एक देश जो हमेशा अड़ंगा लगाता है वह है चीन। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, लेकिन चीन यह भी नहीं जानता कि अगर उसके पास भारत की एक कमजोरी की दवा है तो फिर भारत के पास चीन की 10 कमजोरियों की दवा है। वीटो पावर पाने के लिए भारत ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन हर बार बात वहीं पर आकर अटक गई कि चीन भारत को वीटो पावर देने के लिए तैयार नहीं हुआ और चीन के आड़ में बाकी के जो 4 देश है उन्होंने भी अपना हाथ सेक लिया। अब आप यह भी जान लीजिए कि चीन ने वीटो पावर के लिए भारत को जिस तरीके से नचाया है, अब भारत चीन को उससे भी बुरे तरीके से नचा रहा है। दरअसल आपने ब्रिक्स संगठन का नाम सुना होगा, वही संगठन जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और चीन शामिल हैं। अब दरअसल चीन की यह कोशिश है कि वह अपनी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है, जैसा कि इस समय अमेरिका का डॉलर है। चीन चाहता है कि उसकी करेंसी युआन अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करे, लेकिन डॉलर को रिप्लेस करना यह इतना आसान काम है नहीं। इसके लिए जरूरी है कि जो दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश हैं वो चाइना की करेंसी में ट्रेड करें, लेकिन चीन के करंट फॉरेन पॉलिसी को देखें तो यह लगता नहीं कि दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश चाइना की करेंसी में व्यापार करेंगे। तो ऐसे में चीन ने एक दिमाग लगाया। चीन ने कहा कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं हम सभी मिलकर अपनी एक करेंसी लेकर आएंगे जो डॉलर के टक्कर की होगी और हम सभी मिलकर उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे। चीन के इस प्रस्ताव पर दक्षिण अफ्रीका और रूस तो सहमत हो गए, लेकिन भारत और ब्राजील ने अड़ंगा लगा दिया। भारत ने तो यह साफ कह दिया कि हम ब्रिक्स के किसी भी करेंसी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि डॉलर को चुनौती देने के मकसद से लाई गई यह करेंसी आगे चलकर भारत के रिश्ते को अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ खराब कर देगी। अब दो देशों के समर्थन ना देने की वजह से चीन के इस पूरे प्लान पर पानी फिर गया। तो चीन ने एक और दिमाग लगाया। चीन ने यह कहा कि हम ब्रिक्स का विस्तार करना चाहते हैं, मतलब यह कि हम इसमें और भी देशों को ऐड करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इससे भारत को क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, भारत को दिक्कत यह है, चीन के पास इस समय पैसे की कोई कमी नहीं है, और अगर चीन इस ग्रुप में दूसरे देशों को शामिल करता है तो फिर वह उन्हें शामिल करने के बाद पैसा देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेगा। चीन की यह नीयत भी है कि उसने पैसा देकर ऑलरेडी कई देशों को बर्बाद कर रखा है। एक तरह से कहें तो चीन से पैसा लेने वाले देश आगे चलकर उसकी गुलामी करते हैं और फिर आगे चलकर ब्रिक्स का यह संगठन पूरी तरीके से चीन के कंट्रोल में हो जाएगा, और तब उस वक्त ज्यादा देशों का समर्थन होने की वजह से चीन जो चाहे वो प्रस्ताव पास करा देगा, और अगर भारत उस प्रस्ताव में अड़ंगा लगाएगा भी तो फिर चीन भारत के ऊपर प्रो अमेरिका होने का इल्जाम लगाकर कोई न कोई कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस ब्रिक्स संगठन में 5 देश शामिल हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 40% आबादी भी इन्हीं 5 देशों के पास है। जबकि बात अगर हम ग्लोबल GDP की करें तो ये 5 देश मिलकर 25% ग्लोबल GDP में अपना योगदान देते हैं, और इसीलिए चीन की यह कोशिश है कि इसमें तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करके इस संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर संगठन बनाया जाए, जिसके बाद ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव पास कराकर सभी मेंबर देशों को इसमें व्यापार करने के लिए तैयार किया जाए। जब सभी देश इस करेंसी में व्यापार करने को तैयार होंगे तो उस वक्त अमेरिका के डॉलर का वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही डॉलर का वैल्यू गिरना स्टार्ट हुआ चीन तुरंत बी करेंसी को अपनी करेंसी युआन से रिप्लेस कर देगा, और उस वक्त दुनिया में किसी भी देश यानी कि ना तो अमेरिका के पास, ना ही भारत के पास और ना ही पश्चिमी देशों के पास इतना ताकत होगा कि वे चीन के किसी भी हरकत का विरोध कर सकें। और इसी महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों की एक बैठक होने वाली है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, और ब्रिक्स के इस बैठक में बाकी देशों के शामिल करने को लेकर भी बातचीत किया जाएगा। संभावना तो यह पूरा है कि भारत कभी भी इस टॉपिक पर तैयार नहीं होगा, लेकिन खबर जो भी निकल कर आएगी हम आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।